इस देश का कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो अंबानी के शादी में नहीं गया? इनके पार्टी के जो महासचिव है प्रियंका गांधी, क्या वो शादी में नहीं गई? कैसे आप डिरेल कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि जिस ट्रिपल डबल ए कंपनी को आप कर रहे हो, वो 4 लाख करोड़ रुपया इस देश के किट्टी में दे रही है, जिसके कारण ये देश चल रहा है। आप क्या चाहते हो? कंपनी बंद हो जाए? आप क्या चाहते हो? बैंकों ने जो लाखों लाख करोड़ के जो है आपकी तरह जो फोनो बैंकिंग में, वो बैंक बंद हो जाए? आप क्या चाहते हो कि आप चंदा भी खाओ, आप उनके शादी में भी जाओ और उसके बाद गाली देते रहो क्योंकि वो डिफेंड करने वाले नहीं है? तो आप जो है ये काम करो। इस देश का कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो अंबानी के शादी में नहीं गया? कौन ऐसा आदमी है? इनके पार्टी के जो महासचिव है प्रियंका गांधी, क्या वो शादी में नहीं गई? क्या बात कर रहे हो? महासचिव कहिए सर, आप कहिए कि तोते की बहन जो है शादी में गई, इतना मान लीजिए सर। प्लीज बजट पर कंप्लीट करिए। एक बयान हमने ये फाइनेंस बिल में एक बड़ा अच्छा पार्ट आता है अध्यक्ष महोदया, पीएमएलए का। और इस सदन में जितने लोग बोलते हैं वो इनकम टैक्स के बारे में बोलते हैं, ईडी के बारे में बोलते हैं और सीबीआई के बारे में बोलते हैं। सीबीआई तो खैर अलग संस्था है, लेकिन इनकम टैक्स और ईडी ये दो महत्वपूर्ण है। और इस फाइनेंस बिल में भी ईडी के लिए कई एक चीज़ें जो है वो बताई गई है। अब आप ये बताइए सर महोदया कि 1988 में मैं जब तोते की लिप सर्विस की बात करता हूँ तो बड़ा गुस्सा आता है, तोता कहते हैं। 1988 में ये सदन के जानने लायक चीज़ें हैं कि राजीव गांधी साहब ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट कानून यहां लाया 1988 में, और 88 से वो 2017 पहुंच गया। 30 साल में उसके रूल्स नहीं बन पाए। आप हमसे हिसाब लेते हो कि हमने किसको पकड़ा, किसको नहीं पकड़ा, कौन जेल गया, कहां ब्लैक मनी है, कहां व्हाइट मनी है? कभी अपने गिरेवा में झांका कि 88 में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, और उसके बाद आपकी सरकार रही 91 से 96 तक, 2004 से लेकर 2014 तक, ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि हम सरकार में नहीं रहे, आप लागू नहीं कर पाए? आप किसको साथ दे रहे थे? दूसरा मैं आपको बताऊं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2012 में दिसंबर के महीने में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में संशोधन हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ और उस तरफ से माननीय चिदंबरम साहब थे, बड़े फेमस वित्त मंत्री, उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो मैंने जीवन में देखा ही। मैंने बोलते हुए कहा कि आप जो एक्ट लेके आ रहे हो, एक दिन यदि वाइफ हस्बैंड में भी लड़ाई होगी तो उसमें पीएमएलए लग जाएगा, और ये जितना स्ट्रिंजेंट है जिस भी आधार पर लगा रहे हो, भगवान न करे कि एक दिन आप ही जेल चले जाओ। जब मैं मेरा सीट नंबर 545 था उस जमाने में अध्यक्ष सभापति महोदया, जब मैं बात कर अंतिम था, मैं अंतिम सदन का सदस्य 545 नंबर पर था, जब मैं बोलकर खड़ा बंद हुआ तो चिदंबरम साहब खड़े हुए, और चिदंबरम साहब का बड़ा फेमस भाषण है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पढ़ी लिखी पार्टी है, मेरी अपेक्षा ये थी कि पीएमएलए कानून में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने एक विद्वान आदमी को खड़ा करेगी, लेकिन उसने सबसे मूर्ख बुद्धू और दखियानुसी आदमी को जो है, जिसको पीएमएलए पता ही नहीं है, उसको खड़ा कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एफएटीएफ में जो चिदंबरम साहब का 2012 का दिसंबर का स्टेटमेंट है उसी को कोट करते हुए ये रिपोर्ट आया है। जब रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स कोर्ट पर हमारी फाइनेंस की कमेटी, यशवंत सिन्हा चेयरमैन थे, मैं उसका मेंबर था, 5 साल तक हम लोग मेहनत करते रहे कि डायरेक्ट टैक्स कोर्ट को हम लोग बदल देंगे। पीएमएलए में आप स्ट्रिंजेंट कानून लेके आ गए, तो जब लेकर आ गए बिना किसी एक पैसा को खर्च करते हुए, यदि कांग्रेस पार्टी ने आपको 90 करोड़ रुपया दे दिया और आपने जो है यंग इंडिया खरीद लिया, नेशनल हेराल्ड खरीद लिया, 750 करोड़ की संपत्ति बिना किसी पैसे के आपको मिल गई, तो क्या राहुल साहब जो चिदंबरम साहब का कानून है उसमें आप जेल नहीं जाओगे? ये जेल नहीं जाओगे? और मैं तो कोर्ट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर। तो इसीलिए
आप जो सीबीआई और इनकम टैक्स की बात करते हो ये आपकी कारस्तानी है। हमारी सरकार माननीय निर्मला सीतारामन जी के ऊपर केवल वो उसको इंप्लीमेंट करती है। हमने अपने एजेंसी को केवल फ्री छूट दे रखा है। जो भी भ्रष्टाचारी है वो जेल जाएगा, वो किसी कीमत पर नहीं छूटेगा।